हेलो एवरीवन, आमे स्टार्ट करिबा एएसओ 2019 रो पेपर। मु एठी मैथ्स सेक्शन ता आपण मे सॉल्व करबी ड्यूरिंग द रियल टाइम एग्जाम। एफिशिएंट वेज ऑफ सॉल्विंग कोन हे परथांदा मु सेटा आमे एठी चेक करिया। ठीक अछि, मु एक्सपेक्ट करबी कि आपण सब वीडियो सहित सब क्वेश्चन सहित आपण वीडियो पॉज करिवे, निजे ट्राई करिवे, देन आपण चेक करि परिवे एक्सप्लेनेशन। दैट्स द ऐप टू टू गो अबाउट वाचिंग दिस एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक अछि, सो लेट्स स्टार्ट। सो आपण देखि परथुवे मु एठी आपणकर एही सेट अटेम्प्ट माने जो सेट ए टाइम वाया करबी इज द सेट ए। एटा रे बेसिकली एज आई सेड आपण को मु एक्सपेक्ट करबी कि आपण सब क्वेश्चन सहित यू विल पॉज द वीडियो, यू विल टेक एन अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, देन वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक अछि, सो विदाउट एनी फर्दर आमे स्टार्ट करिया विथ क्वेश्चंस। ठीक अछि, सो स्टार्ट करले आमे 51 टू 57 आपणकर फर्स्ट पेज रे अछि, है ना। 51 टू 57 एती क्वेश्चन हम करिया फर्स्ट पेज रे। आपण गोटे स्क्रीनशॉट नै परांति चाहिले, होला जदि आपण निजे ट्राई करै चाहचोंदि आपण स्क्रीनशॉट नै परांति, तापर मु गोटे गोटे क्वेश्चन करबी। होला क्वेश्चन नंबर 51, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एटा कोन, दिस इज अ टेलिस्कोपिक सीरीज। मु आपण सिक्वेंस सीरीज रे पढैबी, सिक्वेंस सीरीज टॉपिक आई विल टीच दिस। होला एटी कोन, देखंतु सबु टर्म रे बेसिकली गैप 33 रे अछि, 1 4 4 7 7 10 सबु रे गैप 3 अछि। सो टेलिस्कोपिक सीरीज रे कोन हुए, 1 बाय 3 मु लेखिलि, होला डिफरेंस टा लिखेल डिनोमिनेटर रे, तापर फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 16 इज 15 बाय 16, सो दिस इज 15 बाय 48 व्हिच कम्स आउट टू बी 5 बाय 16, राइट। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक अछि, नेक्स्ट, व्हाट लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 41। लीस्ट 5 डिजिट नंबर 10000, 10000 को 41 से डिवाइड करंतु, 41 2 जा 82, 184, 164, 160 असला, 160 असले 3 हबो एठी, दिस इज 123, रिमाइंडर होची 37। 41 था होची डिवाइजर, डिवाइजर आउ रिमाइंडर डिफरेंस केते होची 4, 41 37 र डिफरेंस 4, त 4 को जदि म ऐड कर देबी डिविडेंड रे, एटा को कहंती डिविडेंड, हला डिविडेंड रे 4 आप ऐड करले 10004 एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। लॉजिक कोन 4 ऐड करियर जति एठी 41 आपण जानि चंती, आपण नेक्स्ट एएसओ माने अपीयर करिवे तो गुट जिंस जानि थांतो नंबर सिस्टम रो बेसिक एगुडा। डिवाइजर जहा धरे हम डिवाइड करंती, डिवाइजर सब बेले रिमाइंडर टू अधिका थाए, रिमाइंडर टू सब बेले अधिका न डिवीजन होव नल नै, हला। बेसिकली डिवाइजर हैज टू बी ग्रेटर देन योर रिमाइंडर। ठीक अछि, जदि एठी 41 थांता ताहले एटा नेक्स्ट मल्टीपल हे थांता, जदि एटी 41 आसी थांदा ताहले एटा आपण आपणकर एटी 1 बढी जाय थांदा, 244 हे थांदा। आपण जदि 41 रे 244 मल्टीप्लाई करिवे 1004 पळे आसीबो, ता माने 41 रो 244th मल्टीपल टा होची 10004। ठीक अछि, सो 10000 टा बेसिकली 243rd मल्टीपल रे आमे 37 ऐड करले आमे 10000 रे पहुंचंती। ठीक अछि, सो 41 करिवा पई आपण को 41 हे गेले कोन गोटे नेक्स्ट मल्टीपल हे जीवो, 41 करिया पई आपण को केते दरकार 4 दरकार, से पई 4 ऐड करा लागत रे, तले नेक्स्ट मल्टीपल हे जीवो 41 रो, तले डिवाइड हे जीवो। ठीक अछि, नेक्स्ट चेक करिया एचसीएफ ऑफ किछरा फ्रैक्शन रही, चारटा फ्रैक्शन बाहर करिया। अगुरु फर्स्ट याकू सिंपलीफाई कर दियंतु, 21 बाय 30 होची 7 बाय 10। ठीक अछि, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ फार्मूला होची एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। 9 12 8 7 यांको एचसीएफ केते 1, 10 25 35 अगेन 10, हला 10 आउ 10 भितर तो तांको एलसीएम 10 आउ 10 रो एलसीएम 10। ठीक अछि, 25 आउ 35 एलसीएम ता होची हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम, 25 टा कोन, 25 टा केमती हिची देखो तो केमती जल्दी बाहर करियो, 25 टा होची कोन 5 स्क्वायर, 35 टा होची कोन 5 * 7, 5 रो हाईएस्ट पावर टा को हमें कंसीडर करियो पड़ियो 5 स्क्वायर आमे नहीं गले, है आउ 7 गोटे अछि 7 नहीं गले, अभी कासले 10 पक 10 रो कोन अछि 10 टा होची 2 * 5, 5 रो तो हाईएस्ट पावर ऑलरेडी निया हि सरची तो 5 को नोबानी आउ बच जाय कोन 2, हैला। त माने 25 * 7 होची आपनकर 175 * 2 होची आपनकर केते 350, माने 1/350। सो ऑप्शन ऑप्शन रे नहीं, सो ए क्वेश्चन डा एएसओ भूल करतला, हैला, एटा पिला को ग्रेस मार्क मिलतियो। ठीक छ, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.04 * 0.0162। ठीक छ, तो एठी आपन को सॉल्व भी करिया दरकार नहीं, सब देखंतु 6.48 सबुठी
सबुठी फर्स्ट पार्ट टा सेम अछि त लास्ट पार्ट का चेक कर रहे छी इ देखंतु 0.04 माने 2 0.01624 4 प्लस 2 होछि 6 हला 6 टा ऊपर को जीवो ऊपर गले माइनस नेगेटिव एक्सपोनेंट हे जीवो सो दिस हैज टू बी योर आंसर ऑप्शन डी है ना एक्सपोनेंट रो बेसिक से गोटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एटा भी सॉल्व किछ करया दरकार नै एटा होछि a प्लस b होल स्क्वायर एटा होछि a माइनस b होल स्क्वायर है ना डिवाइड बाय ab अपन जान जंदी a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर टा कोन होछि 4ab हला 4ab डिवाइड बाय ab 4ab डिवाइड बाय ab तो कैंसिल हेजबा आंसर आसीओ 4 ab कोन a होछि फर्स्ट पार्ट टा a सेकंड पार्ट टा b हला एटा बेसिक बेसिक एक्स माने अपन आइडेंटिटी ओडा हला अपन जानाथि ओडा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 0.63 प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार ओके 0.ab बार टा अपन जानाछि ab बाय 99 रिकरिंग डेसिमल रो रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल रो बेसिक से वडा नंबर सिस्टम रो पढ़ी भी आपन हैला ओके एटा आपन ऐड करू तो 63 प्लस 37 होची 100 प्लस 80 होची 180 माने दिस इज 180 बाय 99 राइट आ सब वडा बाय 99 अछि ना खाली ऐड कर देली मु 180 बाय 99 ओके एटा को मिक्स्ड फ्रैक्शन लेखन तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लेखिले दिस इज 1 होल 81 बाय 99 इजंट इट दैट इज सेम एज 1.81 बार राइट तो ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20 एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर दीस टू नंबर्स आर इन रेशियो कोन ऑब्वियसली दिस इज 1.2 डिवाइड बाय 1.5 हला थर्ड नंबर टाउ जदि आपण 1 मान देबे 1.2 1.5 दिस इज कले केति होची 12 बाय 15 दैट इज 4 बाय 5 ऑप्शन बी और का मैं नेक्स्ट पेजटा करिए है ना क्वेश्चन नंबर 58 टू क्वेश्चन नंबर 62 आपण चाहे रोटे स्क्रीनशॉट नहीं पारिबे वीडियो पॉज करना है ना So, question next question 58. कौन कोई A fruit seller had some apples. He sells 40% and still has 420 apples. Originally he had कितने? Okay, 40% sell कर ला. मैंने पहुंची ला कितने? 60%. 60% पहुंची ला. 60% का value हो चुकी थे. 420. ताले 100% का value कितने? That is 700. Right? Option D. Next question. 100 oranges are bought at a rate of 350 माने गोटे ऑरेंज रो कॉस्ट प्राइस केते 3.5 रुपीस सोल्ड एट रेट ऑफ 48 पर डजन माने एसपी टा होची केते डजन माने 12 टा को 48 टका माने गोटे रो होची 4 टका कहै छी परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस होची 3.5 सेलिंग प्राइस होची 4 प्रॉफिट केते 0.5 ऑन द बेस ऑफ 3.5 दैट इज 1/7 माने 14.28% 14.28% केते आपन करो 14/2/7 डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम दी वर्ष रो एसआईसीआई डिफरेंस फार्मूला होची पीआर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर पीआर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर आपण अप्लाई करले 4000 इनटू 10 स्क्वायर टा होची 100 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर कले केतु होची 40 आउच आंसर राइट जति आपण फार्मूला मने नाही लेट्स से आपण फार्मूला मने नाही ताहाले बेसिक रे केन दी करिवे मु आपण कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक रे पढी सारची अप्रोच हला एडा कोहंती कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल अप्रोच 4000 प्रिंसिपल 4010% होची 400 प्रथम वर्ष रो सीआई 400 सेकंड वर्ष रो कोन हला सेकंड वर्ष रो प्रिंसिपल रो 10% 400 लागिला फुनी इनिशियल रो फुनी 10% दैट इज 40 ठीक अछि दी वर्ष रो कंप्लीट सीआई एटा दी वर्ष रो कंप्लीट एसआई एटा सिंपल इंटरेस्ट ताले डिफरेंस टा कोन बचिला एटा 40 हला एटा होची सेकंड अप्रोच थर्ड अप्रोच होची बाय यूजिंग कोड दी वर्ष रो कोड होची 21 3 वर्ष रो कोड होची 331 चार वर्ष कोड होची 4641 हला एडा कंपाउंड इंटरेस्ट कोड बट हमको 2 वर्ष कथा कहि छी त हम खाली 21 रे काम कर देबी हला तो 4010% त लेखली 400 फुनी यार 10% लेखली 40 डिफरेंस टा होची एटा एकटा हला ई एकटा त माने आंसर होची 40 ए एंड बी कैन डू वर्क इन 8 डेज बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज ए बी एंड सी कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज सो ए एंड सी विल डू इट इन ओके डेज कौन कौन दे कथा कही फर्स्ट ए एंड बी ए बी रही बी एंड सी रही टोटल ए बी सी रही डेज रेशियो आप 8, 12 आउ 6 ठीक अच्छे सिंप्लीफाई कर दिखा सिंप्लीफाई कले दुई रे गले 4, 6, 3 डेज रेशियो आप आसला टोटल वर्क टाक एलसीएम मान देवी वर्क टाक मानी दौर लेट्स से 12 यूनिट्स ओके
जदि डेज रेशियो एटा आसला तहले एफिशिएंसी रेशियो कोन हे जीवो यार उल्टा हे जीवो 1 बाय 4 इज टू 1 बाय 6 इज टू 1 बाय 3 दैट इज इक्वल टू सबुठी 12 मल्टीप्लाई कर दियंतु 1 बाय 4 इनटू 12 होची केते दैट इज 3 1 बाय 6 इनटू 12 इज 2 1 बाय 3 इनटू 12 इज हाउ मच इज 4 तो एफिशिएंसी रेशियो आसला 3 टू 4 8 लिख दियंतु 3 इज टू 2 इज टू 4 एटा कोन रेशियो ऑफ एफिशिएंसी एफिशिएंसी हला a plus b plus c होची 4 a b होची 3 ताले एटी c रो एफिशिएंसी केते असला 1 b plus c होची 2 a plus b plus c होची 4 ताले एटी a रो केते असला एफिशिएंसी 2 ठीक अछि ताले टोटल वर्क होची 12 यूनिट a plus b पछ अछि ना a एंड c टुगेदर तो a plus c केते होची 3 यूनिट 2 plus 1 3 ता माने 4 दिन अ मैन कैन क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फाइन इट हो 600 डिवाइड बाय मीटर कोइछ ना त 1000 डिवाइड बाय मिनट कथा कोइछ 5 मिनट केते घंटा 5 बाय 60 राइट दिस इज इक्वल टू केते दिस इज 3 बाय 5 आ 8 ऊपर उठि गेल केते इनटू 12 दैट इज 36 बाय 5 दैट इज 7.2 नेक्स्ट पेज स्टार्ट करिबा आपण चाहिले गोटे स्क्रीनशॉट नै पारंती तला वीडियो पॉज करना चाहते आपण स्क्रीनशॉट नै पारंती लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल खाली स्क्वायर और क्यूब रूट सब जानिथि आपण 64 स्क्वायर टा केंदु बाहरियो 64 टा 50 सु केते अधिक आछि देखंतु 14 अधिक आछि 14 लास्ट टू डिजिट्स होछि 14 स्क्वायर सॉरी 14 स्क्वायर होछि 196 माने 96 रहइबो लास्ट टू डिजिट्स 1 कैरी हला अबिका 64 टा 50 टू केते अधिक 14 अधिक 14 टा को ऐड करंतु 25 रे 25 रे 14 ऐड करले केते होची 39 प्लस 1 माने 40 4096 होची 64 स्क्वायर डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 32768 टा को अलग कर दियंतु हला यार 8 आसी माने यार क्यूब रूट रे आसीबो 2 32 टा कहां कहां क्यूब भीतर रहूची 32 टा रहूची 3 क्यूब टा होची 27 4 क्यूब टा होची 64 ता माने दिस इज 32 क्यूब हला 32 क्यूब डिवाइड बाय 32 4096 by 32 है ना तो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच दिस इज बेसिकली 128 है ऑप्शन ए इफ अल्फा एंड बीटा अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट अल्फा प्लस बीटा होची 24 एंड अल्फा माइनस बीटा होची 8 ताले एटा को ऐड करले केते होची ऐड करले बीटा बीटा कैंसिल होई जो ओके ताले 24 प्लस 8 होची 32 ताले 2 अल्फा डाय 32 हला अल्फा इक्वल टू केते होची 16 यदि अल्फा 16 हला बीटा 8 हेबो राइट ओके ताहले कहि जी कोन द इक्वेशन इज व्हाट आपन को काली मु अपलोड हबो वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो जणा छि यदि आपन को सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है छि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हबो x स्क्वायर माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट हला इक्वल टू 0 राइट सो इट इज सम टा केते हो छि 16 प्लस 8 हो 26 एई फॉर्मेट रे जोटा थिबो सेटा आंसर सो x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इनटू 8 लिखिल ना एडी माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट से देखो हम सही फॉर्मेट रहे तो ऑप्शन ए क्वालिटी का वीडियो आपनकर काली अपलोड हिजो सब डिटेल कांसेप्ट को दाहर बुझे देबी रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ओके सो रूट 3x इक्वल टू 2 टाइप को ऐड करके कितने हो जी 2 रूट 3 प्लस 6 राइट सो एक्स इक्वल टू 2 रूट 3 प्लस 6 डिवाइड बाय रूट 3 तो सेपरेट कर ले कौन हो जी 2 प्लस 6 बाय रूट 3 कितने हो जी 2 रूट 3 केमती केमती ला 2 रूट 3 6 टा को अपन कौन लिख परिवे 3 इनटू 2 की नहीं यदि 3 इनटू 2 हो जी 6 3 टा को अपन कौन लिख परिवे रूट 3 स्क्वायर की नहीं राइट ता माने 2 इनटू रूट 3 स्क्वायर हो जी 6 रूट 3 और रूट 3 कैंसिल हो जीवो तो बचियो केते 2 रूट 3 बचि जीवो राइट सो दिस इज ऐसा अपन मुहे मुहे कहिया कथा एते लिखिया नहीं है मु अपन पूछिया को लिखु छु सब अपन ओरली करियो बड़ा ऑप्शन बी व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 रिमाइंडर इज k द वैल्यू ऑफ k इज एटा हम अपन पढ़ेबी अपन पॉलीनोमियल टॉपिक रे फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम हला एडा रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेशन ओके x माइनस 2 टा को अपन 0 रे इक्वल टू 0 कर देले x इक्वल टू हिजो एका x इक्वल टू 2 हला 2 टा को सबटी पुट कर दियंतु केते होची x क्यूब 2 पुट कर देले 8 प्लस एटा कोन हिजबो एटा होची 8 हिजबो एटा होची 4 into 3 12 12 प्लस 8 होची 20 आउ 4 मचले माने 24 माइनस kx इक्वल टू k राइट ताहले एठी आपण सॉल्व कर देबे
सॉरी एक्स टा हम बाहर कर ले, एक्स टा बाहर कर ले 2, ता माने 24 माइनस 2 के इक्वल टू के, राइट, ता माने के इक्वल टू 8, तो ऑप्शन सी हो जाए अपना आंसर। एटा बेसिक अप्रोच ता अपन निजे कर देबे, हला मोटी के अपन स्मार्ट अप्रोच ता कोची ना, एटी बेसिकली 5x माइनस 7y टा कोन गोटे पॉजिटिव नंबर कि नहीं, गोटे पॉजिटिव नंबर अछि काई ना 5 बाय 3 अछि ना, हला 5x माइनस 7y गोटे पॉजिटिव नंबर अछि, ता माने ग्रेटर देन 0 अछि, ता माने 5x is greater than 7y, that implies I can say x by y it is greater than 7 by 5, 7 by 5 ta kete ki 7 ta 5 re divide kala kete ho, that is 1.4, ta mane x by y ta 1.4 to adhika hava darkar, ab ek option check karun 1.4 mane basically it's a improper fraction, ab ek dekhantu 80 first case second case re x टा y टू कम अछि, एटी भी x टा y टू कम अछि, x एटी भी x टा y टू कम अछि, माने ए सब केस रे इटा प्रॉपर फ्रैक्शन, माने 0 पॉइंट समथिंग आसी आंसर, ओनली ए केस रे इट्स अ इंप्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, सो ओनली दिस हैज टू बी द आंसर, कैन 1.4 टू अदका अदर, सो ऑप्शन ए हैज टू बी द आंसर। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 4 25, ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन होजी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, हला सो 84 इनटू 25 होजी 100, त माने 5 रे केते मल्टीप्लाई करला 100 हो 20। एबे नेक्स्ट पेज स्टार्ट करिए 69 to 73, आपण पॉज करना ओटे स्क्रीनशॉट नै परिबे, यदि आपण नीचे ट्राई करियो छथि तबे मु सॉल्व करबी। नेक्स्ट एडी बेसिकली सॉल्व कर दरकार नै किछ, एडी ऑलरेडी वाई रो वैल्यू टा ऑलरेडी -1 दिया जाय छै, ऑलरेडी -1 आ जाय छै, तापर 7 माइनस एक्स टा ऑलरेडी 0 अछि, त नेक्स्ट केते हो 7 हो, तले 7 माइनस 1, अगेन एटा बहुत सिंपल मैट्रिक्स हला, एम प्लस 2n बार करै छै, हला 2n माने 2 टा मल्टीप्लाई कराई छै, आदे मैं सब टर्म पे 2 मल्टीप्लाई करा हो, हला मैं लिख दो छी, लिखि भी कोन कहि दो छी, 2 टा सब टा मल्टीप्लाई करिवे ताले मु n टा कोन लिख करिवे, 2 टा मतलब 2 4 माइनस 2 0 आउ 4, राइट, m 2n आसी गला, आउ m टा कोन, m टा अपन करछी 2 0 1 2, एबे सिंपली ऐड कर दियौ तो कोन 8 2 रे 4 6 हे गला, 1 रे माइनस 2 माने माइनस 1, तो एटा ऑप्शन बी हे गला आंसर, आ हम चेक भी करे तो करनी 2 प्लस 4 होची 6 आ एटी 0 प्लस 0 होची 0 आ 2 प्लस 4 होची 6, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ पी द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नॉट यूनिक सॉल्यूशन, ओके, नॉट यूनिक सॉल्यूशन माने दिस क्वेश्चन इज एम्बिगुअस, ए कौन कहो चाहो बुझ पर्नी, हला एनीवे आपण आ गोटे रीजन अछि, क्वेश्चन टिके भूल भाल अछि, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, हला लीनियर इक्वेशंस त माने दिस आर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, हला ओके, एनीवे आपण जानंतु a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 यदि हला त माने एठी कोन ना यूनिक सॉल्यूशन, ठीक अछि, यदि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हला एंड नॉट इक्वल टू c1 by c2 हला तले एही केस रे कोन ना नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल हे जीवो, आ गोटे होची a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 यदि हला एठी कोन ना IS माने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखी छि IS इनफाइनाइटली मेनी माने लाइन कोइनसाइड करै जीव, कोइनसाइड करै जीव, हला एगोटा कोन या लॉजिक कोन, दिस इज बेसिकली स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन, हला a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 माने कोन, माने a1 by b1 इज नॉट इक्वल टू a2 by b2, हमर गोटे लीनियर इक्वेशंस जते मो एटा कहबी a1x + b1y + c1 = 0 यार स्लोप टा कोन माइनस a by b, अपन दि प्लस टू साइंस पढ़ी चंदी आपण जानथियो स्ट्रेट लाइन रो स्लोप हला, जे दिला स्ट्रेट लाइन रो स्लोप डिफरेंट अछि त मान से माने इंटरसेक्ट करिवे, हां एटा होची लॉजिक, हला एनीवे तो एही केस रे कोन ना एठी आपण कर खाली एही पार्ट टा सटिस्फाई हो नो सॉल्यूशन केस टा, हला काहे कि एठी देखंतु 4x / x माने 4 इक्वल टू py / y इक्वल टू p, हला ए केस टाइ हो जी p इक्वल टू 4, हला यदि मु ए केस रे चेक करिवी ए केस रे सटिस्फाई होनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन केस रे सटिस्फाई होनी, एठी हमें अज्यूम करियो पड़ियो कि हैज नॉट यूनिक सॉल्यूशन माने एठी बेसिकली क्वेश्चन कहयो चाहो जी नो सॉल्यूशन, हमको अज्यूम करना कले आंसर 4 आसीबो, ठीक अछि, तो दिस क्वेश्चन इज एम्बिगुअस, हला एठी ग्रेस मार्क मिलिया गदा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ
of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 केते रहना minus माने एटा कौन b square minus 4 is b square माने 16 minus 6 जाए 26 माने minus 8 माने option d एटा कौन a pair of equation given a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 a1 by a2 is not equal to b1 by 2 then pair of equation is consistent नहीं एटा नुआ consistent नुआ कंसिस्टेंट रे बेसिकली कंसिस्टेंट भितरे दीटा केस आसीबो कंसिस्टेंट जो अछि ए जो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रे दीटा केस आसीबो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 बी कंसिस्टेंट औ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 एटा बी कंसिस्टेंट ए दीटा कंसिस्टेंट बट खाली एही केसटा कहि छी माने दिस इज इंडिपेंडेंट है ना इन एपी फिफ्थ टर्म एंड एइथ टर्म आर ओके फिफ्थ टर्म माने ए प्लस 4d के दे जे 11 औ ए प्लस 7d दे जे अपन 17 तहले एउ टू डी टा केते आछ 3 6 माने एटा 2 आसला जते डी टा 2 आसला तहले एटा आसीबो एटा होची 8 3 दिस इज 3 हला एटा आसला 3 पचार छी 15th टर्म ता माने 3 plus a plus 14d 14 into 2 जा 28 28 plus 3 हो जे 31 which of the following are in ap सब उठी तीन टा टर्म अछि सब केस रे 3 3 टर्म्स आ देर हम जानि छथि a b c जदी ap रे अछि ताले 2b equal to a plus c always हैना माने यार सम टा मिडिल टर्म में डबल हैना एड चेक करू तो को केस रे दिसु छि एडी ऑप्शन ए हैना केमिति 1 by root 3 plus 5 by root 3 ताले that is 6 by root 3 6 by root 3 टा होची के थे that is 2 root 3 है ना 2 root 3 होची यार sum that is double of middle तामाने 8 आ satisfy करी होला तो option ये होची answer 3 numbers sum of 3 numbers in AP is 36 तिंटा number of sum जोड़ा AP रहा चंदी तान sum होची 36 product होची 1140 then one of the number is okay one of the number होची कौन ये तीनटा नंबर मते अज्यूम कर रछि मु सबले अज्यूम करबी a माइनस d a a प्लस d हला यदि म तीनटा नंबर एपी रे अज्यूम कर रछि आई ऑलवेज अज्यूम a माइनस d a a प्लस d मु केबे भी अज्यूम करबी नी a a प्लस d आउ a प्लस 2d एमिति करबी नी अज्यूम हला एमिति अज्यूम करले कोन लाभ d कैंसिल हो जियो हां ओके सो तीन जन को सम दे छि केते 36 त माने बेसिकली 3a आसो छि मोर 36 त माने गोटे नंबर त मोर आसी गेला 12 यदि गोटे नंबर 12 पळे आसला प्रोडक्ट होची 1140 ताहले 12 डिवाइड कर केते होची दिस इज 995 राइट 95 आला ता माने दीटा नंबर गोटे नंबर असला मोर 12 जेडा भारी होला आउ दीटा नंबर रो प्रोडक्ट होची 95 होची दीटा नंबर रो प्रोडक्ट ताहले एठी ए नंबर भीतर थिवो जहा बेले अबिका चेक करू तो 95 रो फैक्टर कोन छै एठी ना दीटा नंबर मल्टीप्लाई हेकिना 95 होची गोटे नंबर तो 12 बार चलेन त माने या भीतर थियो 95 रो 10 त हे परिवन केबे हला 10 हे परिवन आउ 6 केबे हे परिवन 3 भी हे परिवन सो ऑब्वियसली 19 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ व्हिच 6 टर्म होची 45 6 टर्म 45 गोटे एपी रे बेसिकली मिडिल टर्म ता सबले एवरेज थाए गोटे एपी रो मिडिल टर्म टा सबले एवरेज था यदि 11 टा टर्म अछंती ताले मिडिल टर्म केते हो 11 प्लस 1 बाय 2 माने 12 बाय 2 दैट इज 6th 6 टर्म टा हो एवरेज हला ओके एपी रे सबले मजे टर्म टा एवरेज था एवरेज यदि 45 ताले सम टा केते हो सम टा होची एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स माने 45 इनटू 11 हैज टू बी माय आंसर इक्वल टू सम 11 जतले मल्टीप्लाई करा होए शॉर्टकट ऑफ मल्टीप्लाइंग विद 11 कोन फर्स्ट आउ लास्ट सेम थियो मझेरे खाली 4 आउ 5 को ऐड कर देली दिस इज शॉर्टकट टू मल्टीप्लाई विद 11 तो आंसर होची बी अ कंप्यूटर कंपनी मस्ट हैव 20 प्रोग्रामर्स टू हैंडल सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब्स 30 प्रोग्रामर्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ऑफ दोस 5 आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म जॉब्स ऑफ बोथ टाइप्स ओके दीटा हाउ मेनी प्रोग्रामर मस्ट बी हायर्ड ओके दैट देखु देखु जाना पड़छ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेट थ्योरी टू सेट वेन डायग्राम हला गोटे होचे आपनकर कोन सिस्टम प्रोग्रामिंग गोटे होचे सिस्टम प्रोग्रामिंग आ गोटे कोन होची एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग
ଆଉ ମଝିଟା ହେଉଛି କମନ। କମନ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କମନ। ଯଦି 5 ହେଉଛନ୍ତି କମନ, ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 20, ମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ 5। ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ 15 + 5 = 20 ହେଇଗଲେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ 30, ମାନେ ଏଇଠି 5 ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ 25। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ? 15 + 5 = 20 + 25, ତାହେଲେ 45। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 79-84 ସଲ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ପଛ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଫର୍ ଆନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଇଫ୍ ପି ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଇଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। ଓକେ, ହ୍ୟାପନିଂ ଅର୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପନିଂ, ସୋ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି 1, 2 ଡାଇସ୍ ଆର୍ ଥ୍ରୋନ୍, ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ସମ୍ 6। ଓକେ, ଫେଭରେବଲ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ହେଲା ଏଇଟା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ଫେଭରେବଲ୍ ଆଉଟକମ୍ସ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଆଉଟକମ୍ସ। ଟୋଟାଲ ଆଉଟକମ୍ସ କେତେ ହେବ? ଟୋଟାଲ ଆଉଟକମ୍ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଏ ଛଅ କରୁଛୁ ମାନେ 36 ହେଲା। ଆଉ ଫେଭରେବଲ୍ କ'ଣ ହେବ? ଲେଟ୍ସ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇ, ବେସିକ ହେଉଛି 6, ମାନେ ଏଇଠି 1 ହେଲେ ଏଇଠି 5 ହେବ, ଏଇଠି 2 ହେଲେ ଏଇଠି 4 ହେବ, ଏଇଠି 3 ହେଲେ ଏଇଠି 3 ହେଇପାରିବ, ଏଇଠି 4 ହେଲେ ଏଇଠି 2 ହେଇପାରିବ, ଏଇଠି 5 ହେଲେ ଏଇଠି 1 ହେଇପାରିବ। ରାଇଟ୍, ସବୁ କେସ୍ କଭର ହେଇଗଲା। 1, 2, 3, 4, 5, ତାମାନେ 5/36। ଆପଣ ପଚାରିବେ କ'ଣ ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିନା କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଯଦି ପର୍ମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଏମିତି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। a+b = 6 ହେଲା, ଏଠି ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ସଲ୍ୟୁସନ ହେଉଛି n-1 cr-1 ହେଲା। ପର୍ମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ଯଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ n-1 କ'ଣ? 5-1, 6-1 ହେଉଛି 5, c 2-1, 1, 5c1 ହେଉଛି 5, ତୁ 5/36। 3 coins are tossed, find the probability of all heads. ओके, ऑल हेड्स माने गोटे गोटे केस तीनटा को हेड, ऑल केस तीनटा तीनटा कॉइन माने 8 1 बाय 8। द लीस्ट नंबर वी शुड बी एडेड टू 2497, सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 5 6 4 एंड 3। ओके ओके, 6 और 3 एलसीएम हो जी 6, 6 और 4 एलसीएम हो जी 12, 12 और 5 एलसीएम हो जी 12 5 60 है। ओके, 60 2497, 60 माने 60 * 40 2400 है। 61 ହେଲେ 2460 ହବ, 42 ହେଇଗଲେ ଆଉ 120 ଆଡ୍ ହବ, ଦିସ୍ ଇଜ 2520। ଏଇଟା 2520 ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଫ୍ 60 ହେଲା, 2502 ଏଇଟା କେତେ କମ୍ ଅଛି? 23। ଇଫ୍ ଅ ସେଟ୍ ହାଜ୍ ଏନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଦେନ୍ ପାୱାର ସେଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍। ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ? ବେସିକାଲି ଫେଭରେବଲ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ, ତ ଟୋଟାଲ କେସେସ୍ ତ ଆମର ହେଉଛି 10, 100 ହେଲା, 100 ନମ୍ବର ନା, 100-1+1 ହେଲା, 100 ନମ୍ବର୍ସ। ଆଉ ଫେଭରେବୁଲ ଆଉଟକମ୍ସଟା କ'ଣ? ଇଭିନ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ମାନେ 2ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ନା ଅପ୍ ଟୁ 100, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ହାଉ ମେନି ଟର୍ମସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର? 100-2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 1, 98/2 49+1, 50 ଟର୍ମସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 1/2। An urn contains a thoroughly mixed set of 10 white, 15 red and 25 black marbles. Determine the probability of drawing a white or a red. Okay. Total cases kete achi dekhantu, 10, 15, 25, total 50. White or red, white achanti ketra, 10, red ketra, 15, mane total 25, and this is 1/2. A solid metal cylinder of radius 14 cm and height 21 cm is melted down la ote in some melt karna out in some bana hoch mane sabale volume same ho la sabale volume same ho yadi melt karna out in some bana hoch and recast into a sphere of radius 3 point recast into spheres okay spheres of radius 3.5 cm so number of spheres that can be made okay ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସିଲିଣ୍ଡରର ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ହେଉଛି ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍, ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ଆର୍ଟା ହେଉଛି ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ 21 ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିୟର୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ? 4/3 ପାଏ, ପାଏରେ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା, 22/7 କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର, ପାଏ ପାଏ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ଆର୍ଟା କେତେ ଅଛି? 3.πr³ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍। ଏମିତି କେତେଟା ସ୍ପିୟର୍ ଅଛନ୍ତି କହିଛି ନା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଦେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଡ୍, ଲେଟ୍ ସେ ଏନ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏନ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଜିମ୍ କରୁଛି ଏନ୍, ଅବିକା ସଲ୍ଭ କଲେ କ'ଣ? ପାଏ ପାଏ ଦିଆଡ଼ୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଯିବ, ଅବିକା ହେବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 14² * 21 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଏ 3.5³ * 3/4 = n। ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ
n equal to 72 hala option d. How many times will the wheel of diameter 105 cm rotate in covering a distance of 330 meter 330 meter koichi out cm koichi meter ta ko cm re convert kar daba distance divided by diameter ta hochi 105 cm hala tahale wheel ko tha koichi ta mane amku circumference darkar circumference mane 2 pi r 2 pi ta 22 by 7 2 pi r r ta hochi 105 by 2 ka diameter ta 105 radius ta 105 by 2 ta 2 2 cancel hala eta kale this is 15 to eta 15 re 300 330 katle kete hochi 22 22 re 22 cancel hoi jibo au banchibo 100 hala so option a now eta hochi conceptual question da hala मेंसुरेशन रो रिवीजन वीडियो मु करतली तासरे मु डिटेल बुझैतली एरिया ऑफ सेगमेंट स्टार्टिंग रे कहितली कि सेगमेंट केन बाहरिबो डिटेल रे बुझैतली केमि करियाइट लेट्स सेट से सर्कल हला ए पार्ट ता होची आपनकर सेगमेंट एटा होची लेट्स से सेंटर ऑफ सर्कल ओ मानछ हला रेडियस जॉइन कर दोची डिटेल रे बुझैतली एटी आउथरे कहि दोची एटी ए एटी बी हला फर्स्ट त मु सेक्टर एरिया बाहर करबी एटा एंगल देछि ओटे 120 डिग्री और एटा होची 21 एटा 21 है ना मते दरकार ए पार्ट रही एटा शेडेड कर दो जी मते दरकार ए पार्ट रही एटा एटा कोहंती सेगमेंट हला तो जदी मते ए पार्ट रो एरिया दरकार तले म केमती बाहर करबी हां मते जिंस कोंत मु फर्स्ट सेक्टर एरिया बाहर करी पूरा कंप्लीट सेक्टर रो हला पूरा सेक्टर एरिया बाहर करबी ता भितरु फर्स्ट तो सेक्टर एरिया बाहर करबी हला माइनस करबी ट्रायंगल ए ओ बी रो एरिया ठीक अछि ताहले मते सेगमेंट एरिया मिलि जो जो पार्टटा पिंक रे मु सेट करछ हला केमथि करिया ताहले सेक्टर एरिया फर्स्ट केमथि बाहरियो सेक्टर एरिया होजी पाई आर स्क्वायर बाय 120 डिग्री अछि ता माने बाय 3 हो 360 डिग्री ता होची कंप्लीट सर्कल रो एरिया 120 माने बाय 3 हो दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 22 डायरेक्ट लिखि दो जरा तो बेसिकली पाई आर स्क्वायर बाय 3 माइनस करबी एरिया ऑफ ट्रायंगल वेट ट्रायंगल टा आउट कर दो छी एटा होची 120 डिग्री एटा होची 21 एटा 21 दिस इज ए ओ बी जदी ट्रायंगल रो दीटा साइड दिया है छी और इंक्लूडेड एंगल दिया है छी तहल सब बले फार्मूला अप्लाई हबो half ab sin theta half ab 21 square into sin theta sin 120 degree sin 120 degree केते sin 120 लिखि परिया हमें sin 90 plus 30 तमन दैट इज cos 30 टिकट ट्रिगोनोमेट्री जाने बुडियो cos 30 ता होची √3 by 2 sin 120 ता होची √3 by 2 केमिति कली अरे sin 120 दैट इज इक्वल टू cos 30 डिग्री केमिति cos 30 sin 120 ta hoji sin 90 plus 30 that is cos 30 hala so cos 30 ta hoji root 3 by 2 so it hala ta mane it hoji eka multiply kar diantu eka to solve kale etle pi ta put karibe 22 by 7 r ra value diya hai already hala radius 21 diya hai already r ra value 21 put karibe r square ra solve karibe root 3 ra value ta hoji 1.7 hala eta put karibe solve kale answer asibe option c A single letter is selected at random from the word probability. The probability that it is a vowel. Vowel कितना आचन दिया थे? O A I I. चार्टा vowel. Total word हो चाहिए घटा. तो इधर किसी लिखिया भी दरकार नहीं. Probability of A union B दे ची. हमको जाना आ ची probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A इंटरसेक्शन बी ठीक अछि अबिका जेहेतु इंडिपेंडेंट इवेंट त किछि ओवरलैपिंग पार्ट होवार नै हला किछि ओवरलैपिंग जेहेतु होवार नै त ए पार्ट कैंसिल हो जइबो ए पार्ट टोटल नै हला त माने पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी राइट एटा होछि 0.8 एटा 0.3 तले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टा केते हो एटा हो 0.5 1/2 ऑप्शन डी अगेन दिस इज आल्सो वेरी सिंपल
probability माने favorable outcome by total outcome हैला ए total outcome कौन a bag contains 5 brown and 4 white socks a man pulls out 2 socks ठीक अछि probability that they are of same color not a socks with 2 socks pull करियार केसेस केते टोटल केसेस होची 9c2 ठीक अछि आ फेवरेबल केसेस कौन दे आर ऑफ सेम कलर हमको दरकार हैला एटा होची रिक्वायर्ड कंडीशन दे आर ऑफ सेम कलर माने आइदर दीटा जाको ब्राउन हेतिबो और दीटा जाको व्हाइट हेतिबो और यूज कोच माने एडिशन माने गुटे आइदर ब्राउन माने 5c2 और 4c2 राइट सो एके सॉल्व कर दो 5c2 माने 5 * 4 20 / 2 माने 10 प्लस 4c2 4 * 3 12 / 2 दैट इज 6 डिवाइड बाय 9c2 माने 9 * 8 72 डिवाइड बाय 2 * 1 72 / 2 हो जाए मतलब दैट इज 36 राइट दैट इज 16 / 36 दैट इज 4 / 9 ऑप्शन बी टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 5 ठीक अछि 5 माने कोन 1 4 4 1 3 2 2 3 हला चारटा केस डिवाइड बाय दीथरा थो कोला माने 36 1 / 9 A bag contains 8 red, 6 blue balls. 5 balls are drawn at random. What is the probability that 3 are red and 2 are blue? Both simple. कौन है? Favorable by total. Total cases कौन? कितना ball अच्छी? 8, 6, 14. 14 टा ball भी दरकार कितना? 5 टा. चला. Favorable कितने? 3 red and 2 blue. 8 टा भी तो 3 टा दरकार red and हिच and माने into 2 blue. माने 6 टा भी तो 2 टा. चला. एक आ solve करता पड़ियो. सॉल्व आपण मो पिला आपण माई छाड दो छी ऑनलाइन तले मो कर दो छी एट नले पिला कहबे सॉल्व करलेनी सर 8 * 7 * 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल टा 8 सी 3 माने कोन 8 7 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6 त माने एटा एटी कैंसिल हे जियो हला * 6 सी 2 माने 6 * 5 डिवाइड बाय 6 * 5 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15 राइट 6 into 5 30 divided हां 15 ठीक अछि तापर एठी आपण कर होची 14c5 माने 14 into 13 into 12 into 11 into 10 होल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल टा आपण जणा होची 120 120 12 10 कैंसिल हे गेला ऑलरेडी हैला ओके अबे एक बचिना देखंतु आउ 7 रे 14 गला 2 4 असला आउ कोन 4 रे कैंसिल होची नाही ताले 5 into 15 होची 60 divided by 13 into 11 13 into 11 ले that is how much 131 143 right option A geometric mean of this geometric mean माने कौन product of all this divided by number of terms हैला number of terms का root पड़ियो basically माने 3 into 3 square into 3 cube एटा geometric mean मा GM पढ़े भी सब आपन चिंता करंतु नी सीरीज से सब पढ़े भी हला प्रोडक्ट कली रूट ओवर ऑफ n व्हाई n बिकॉज़ नंबर ऑफ टर्म्स आर n 1 रु स्टार्ट करना n जाय जाउची तो n टर्म्स आर देयर ठीक अछि सोटा करंतु जेहेतु बेस सेम अछि 3 3 3 सबुडी अछि ताले पावर ऐड हे जीवो पावर कोन अछि पावर देखंतु 1 + 2 + 3 अप टू n दैट इज n * n + 1 / 2 राइट ओके ता माने 3 * n into n plus 1 by 2 एटा पावर रहला ठीक अछि आ जो पावर ता नै जो रूट होटा छि n એટલે रूट ता એટલે खोलिवो टू द पावर 1 by n हे जीवो ठीक अछि तले मल्टीप्लाई हला तले n n कैंसिल हे जीवो एटी तले आसीओ केते 3 टू द पावर n plus 1 by 2 ऑप्शन डी इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट देयर आर 70 बॉयज 70 बॉयज में 30 गर्ल्स whose average mark in a single subject is 75 माने पूरा बिलांगर 75 अछि if the average mark of complete class is 72 average mark of girls एटा ओरली क्वेश्चन एटा कोन अछि सिंपल एलिगेशन राइट 75 अछि पूरा कर एवरेज मार्क ओवरऑल एवरेज मार्क अछि 72 हैला गर्ल्स को एवरेज मार्क पूरा जणा नहीं क्वेश्चन मार्क पकेली क्वेश्चन मार्क हैला ताहले एठी अछि रेशियो केते 7:3 70 30 ना हैला ताहले 75 रु 72 माइनस करले 3 आ जाउ छी हला त माने दिस इज ऑलरेडी 3 त माने एटा 7 हवा दरकार 75 टू 72 कम अछि त माने एटा एटा केते हेतियो 72 रु 7 कम दैट इज 65 तार ऑप्शन बी नेक्स्ट नेक्स्ट को जे सम ऑफ 7 वैरायटी को वैरिएट्स 7 वैरायटीज इज 12 इफ 6 ऑफ देम आर 5 13 17 14
सेवेन्थ भेन ये कौन ये सब वाला मुंड मुंड खराब है बोध है ये क्वेश्चन भूल भाल अच्छे बोले इट्स कम्प्लीटली रंग एट कौन दे सेवेन सतटा जिन सम हो बार और तो छटा जिन ये क्वेश्चन भूल अच्छे पे ग्रेस मार्क मिले करेंगे मुझ क्वेश्चन आज्यूम करना कराया चाहूँगी ये बेसिकली आवरेज थी बोलते हैं बट क्वेश्चन भूल अच्छे तो मुझे ठीक करना कराया चाहूँगी आम आत सुधारी पारे ये सब क्वेश्चन ठीक करना पुणी सल्यूशन करते पारि अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल स्टाटिस्टिक्स टॉपिक रे मु डिटेल पढ़ाई यूट्यूब वीडियो मिल जाए प्लेलीस्ट चेक कर दि स्टाटिस्टिक्स टॉपिक ये गोटे मुझे कलम ड्र करी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आउ थे पूरा टेबल ड्र करनी ये ही कर दूसरी है क्वेश्चन रही आउ गोटे कलम टाणी दौर है ना ओके ताहले ऑलरेडी तो सात अच्छे ये सात सात प्लस पाँच बार बार प्लस आठ कोड़े कोड़े प्लस बार बतीस बतीस प्लस दस हूँ बयालीस बयालीस प्लस दुई हूँ फर्टी फोर प्लस वन हूँ फर्टी फाइव तमें टोटाल होती फर्टी फाइव जन लोक ठीक अच्छे टोटाल फर्टी फाइव जन अच्छा फर्टी फाइव थे यार मिडिल टर्मटा के मेडियान मैंने मिडिल टर्मटा आते सब जिन सब ऑब्जर्वेशन को इनक्रीजिंग ऑर्डर रे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर रे लिखाई है सब गुड़ा इनक्रीजिंग ऑर्डर रे रखाई इनक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग ऑर्डर रे थिले हमें मीडियन भाग ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है लेवल रे तो फर्टी फाइव अच्छी मानने मिडिलटा कौन हम फर्टी फाइव प्लस वन बाय टू है मुझे डिटेल पढ़ी मैंने स्टैटिस्टिक्स टॉपिक चेक करदे मैंने ट्वेंटी थर्ड टा हूँ मीडियन ट्वेंटी थर्ड ऑब्जर्वेशन टा कौटी देखु ना फर्स्ट हूँ ट्वेंटी थर्ड टा कौटी या भितर है मैंने थर्ड और फोर्थ दैट इज फिफ्टी टू राइट या देर किसी कहार ना एटा तो मोड आप देखु देखु आंसर कहते सिक्स एटा कौन हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन हाइएस्ट ये एक भैल्यूटा के सिक्स डिटेल पढ़ाई स्टैटिस्टिक्स टॉपिक रे चेक करदे डिटेल सब जिन पढ़ाई स्टैटिस्टिक्स है टॉपिक रे चेक कर देबे ना 21 21 रो वैल्यू होची 6 द आंसर 6 तापर क्वेश्चन 99 द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एटा कोन ना दिस इज कंप्लीट माने दिस इज डायरेक्ट फार्मूला हला तातरे म को कहियो ना दिस इज n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 राइट एटा होची आपनकर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100 है ना तो क्वेश्चन 100 होची आपन पे होमवर्क ठीक अछि मु 49 क्वेश्चंस मु सॉल्व कली गोटे क्वेश्चन आपन को छाड़ली होमवर्क कहीं गोटे क्वेश्चन आप निजे ट्राए करिया कथा सब जिन मुझे कहि एटा हला बाकी ए चैनल रे सब मैथ कोर्स आप कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलू कंप्लीट मैथ कोर्स प्लस प्रैक्टिस सेट्स सब जिन फ्री है आपन को जदि ठीक लगे आप सब्सक्राइब करें बस ये कहार थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।